हेलो गाइस, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल HSC टेक्निकल पे और मैं हूं आपके साथ आपका होस्ट इरहाम अहमद। सो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हैज़ार्ड एंड रिस्क के बारे में, मतलब कि हैज़ार्ड क्या होता है और रिस्क क्या होता है। क्या है कि बहुत सारे लोग समझते हैं कि हैज़ार्ड और रिस्क जो है वो एक ही है, तो इसके बारे में आज हम जानेंगे कि हैज़ार्ड और रिस्क क्या है। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे आप सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज के इस वीडियो से। व्हाट इज हैज़ार्ड? तो डिफिनेशन बोलती है, हैज़ार्ड इज सिचुएशन कंडीशन वेयर चांसेस ऑफ लॉस इज कॉल्ड हैज़ार्ड। मतलब कि ऐसा सिचुएशन, ऐसा कंडीशन जहां हमें लॉस हो सकता है, डेथ भी हो सकता है, नुकसान हो सकता है, तो उसे हम कहेंगे हैज़ार्ड। नुकसान क्या क्या चीज़ का हो सकता है? प्रॉपर्टी का हो सकता है, बॉडी का हो सकता है, इन्वायरमेंट का हो सकता है, तो उसे हम हैज़ार्ड कहेंगे। यानी कुछ भी, यानी ऐसा कुछ भी जिसमें नुकसान पहुंचाने की क्षमता हो, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट कंडीशन आपको क्षति पहुंचाता है, आपको हार्म करता है, तो उसे हम हैज़ार्ड कहेंगे। तो हैज़ार्ड क्या है कि आपको अलग अलग वे में हार्म कर सकता है, जैसे बॉडी को, इन्वायरमेंट को, मशीन को। तो चलिए एग्जांपल से जानते हैं। जैसे यहाँ पे देखते हैं स्लिपरी सरफेस, मतलब आप जा रहे हैं, कोई स्लिपरी सरफेस है, उस पर आप स्लिप कर गए, मतलब स्लिप ट्रिप फॉल, तो क्या हुआ कि आपके बॉडी को वो नुकसान पहुँचाता है, तो उसे हम हैज़ार्ड कहेंगे। नाइफ, ये आपको कट कर सकता है, काट सकता है, तो इसे भी हम हैज़ार्ड कहेंगे। मूविंग मशीनरी है, ये भी हैज़ार्ड है। डस्ट है, डस्ट भी एक तरह का हैज़ार्ड है, क्या कि ये हमारे इन्वायरमेंट को पॉल्यूटेड कर रहा है, हार्म कर रहा है, किसी भी वे में हमें नुकसान पहुंचाए, उसे हम हैज़ार्ड कहेंगे। तो ये सब थे हैज़ार्ड के एग्जांपल। तो आई होप कि आपको समझ में आएगा हैज़ार्ड हम किसे कहते हैं। अब जानेंगे हम रिस्क के बारे में। रिस्क का डिफिनेशन क्या होता है? तो इट इज़ अ चांस प्रोबेबिलिटी डेट समवन विल बी हार्म बाय द हैज़ार्ड। मतलब यानी ये चांस है, प्रोबेबिलिटी है किसी भी चीज़ को नुकसान पहुंचाने की, किसी भी हैज़ार्ड से नुकसान पहुंचाने का या क्षति पहुंचाने का चांस या संभावना है, उसी को हम रिस्क कहते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फॉर्मूला है, रिस्क बराबर लाइकलीहुड इनटू सेवरिटी। लाइकलीहुड का मतलब क्या हुआ? कोई भी वर्कर वर्केट हाइट पे काम कर रहा है और वहाँ से जो गिरता है तो उसे हम कहेंगे लाइकलीहुड, और जो गिरने के बाद डैमेज हुआ, जो उसका क्षति हुआ, उसे हम कहेंगे सेवरिटी। मतलब देखा जाए तो रिस्क बराबर लाइकलीहुड इनटू सेविटी, ये कैलकुलेशन है रिस्क का। फॉर एग्जांपल, वर्केट हाइट पे काम कर रहा है, वर्कर जो है वर्केट हाइट पे काम कर रहा है, तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि हैज़ार्ड क्या है। मतलब हैज़ार्ड और रिस्क का जो मतलब डिफरेंट है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि वर्केट हाइट पे वर्कर काम कर रहा है, तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि हैज़ार्ड क्या है। वर्केट हाइट पे हमारा हैज़ार्ड वर्केट हाइट हो गया, इसलिए कि ये एक सिचुएशन कंडीशन है जहाँ से हमें हार्म होने का चांस है, यानी कि वर्क एट हाइट पे हमें चांस है कि क्षति हो सकता है, किसी भी वर्कर को चोट लग सकता है गिरने से। तो यहाँ पे हैज़ार्ड हो गया वर्क एट हाइट, और रिस्क वहाँ पे क्या है कि वर्कर जो है फॉल कर सकता है, तो वहाँ पे चांस है कि चांस ऑफ फॉल ऑफ पर्सन, वर्कर जो है वो नीचे गिर सकता है, तो ये रिस्क हुआ। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि रिस्क और हैज़ार्ड क्या है। तो चलिए एक फिगर से जानते हैं, एक एग्जांपल से जानते हैं, तो शायद आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हैज़ार्ड और रिस्क। यहाँ पे एक नाइफ है जो कि एक हैज़ार्ड, देखिए रिस्क मतलब हैज़ार्ड, यहाँ पे नाइफ क्या है कि ये हमारा हैज़ार्ड है, इसलिए कि क्योंकि इसमें पोटेंशियल है, क्षमता है किसी भी चीज़ को कट करने का, तो ये क्या है, ये एक तरह का हैज़ार्ड है। नाइफ से हमें संभावना है कि क्षति होने का, हमें काट सकता है, ब्लीडिंग हो सकता है, तो मतलब कि हैज़ार्ड यहाँ पे ये हो गया कि ये आपको कट कर सकता है, नुकसान पहुँचा सकता है। और रिस्क क्या है कि ये संभावना है क्षति होने का, हमें कट हो सकता है, ब्लीडिंग हो सकता है, इंजरी भी हो सकता है, तो ये हमारा रिस्क हो गया। कट यानी चांस ऑफ कट, यानी यहाँ रिस्क एंड हैज़ार्ड में यही अंतर है। हैज़ार्ड कोई भी ऐसी चीज़ है, ऑब्जेक्ट है, कंडीशन है जिसमें हमें क्षति पहुँचाने की क्षमता है, यानी पोटेंशियल है। रिस्क हमारा चांस है हैज़ार्ड से क्षति पहुँचाने का। सिंपली लैंग्वेज में अगर हम कहेंगे तो नाइफ हमारा हैज़ार्ड है और इससे जो क्षति होगा हम उसे रिस्क कहेंगे। तो आई होप कि आपको समझ में आएगा रिस्क और
हज़ार्ड का डिफरेंट। तो दोस्तों अगर आपको कुछ भी ऐसा लगता है कि आपको इसमें समझ में नहीं आया होगा तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो आज के लिए इतना ही था, तो थैंक यू सो मच। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे आप सब्सक्राइब कर लें। सो स्पेशल थैंक्स फॉर मिस्टर आसिफ मुश्तबा सर।